अस्सलाम वालेकुम। ये नाना वाकब घोटाला देखो, हकीकत पूरी। प्रॉपर्टी है इसमें दो, यूनिट टू, कमर्शियल मटेरियल, पक्का बिल्डिंग। ये पुराना चौल का नाम था। ये ग्राउंड फ्लोर, एक ग्राउंड फ्लोर की जगह है जो अपना मुसलमान कोलसा वाला नियाज फंड ट्रस्ट को मेमन एजुकेशन वेलफेयर सोसाइटी। इसका नंबर कितना है? 6768। ओके, 6768। ये मतलब 99% महफिल वाली बात है। सेकेंड थिंग, प्रॉपर्टी एड्रेस C6254466064, कुगारी मोहल्ला, टिम्बर शॉप्स, जिसपे पहला टोटल दुकान थी टिम्बर की, उसके भी चार नाम है अपना, हिमालय टिम्बर्स, आरिफ टिम्बर्स, इमरान टिम्बर्स और एक कुछ थी। अभी इन लोग ने घोटाला क्या करा बता दे। ये फाइल नंबर रही, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर 1/3/2022, इनलीगली ग्रेव टू वारिस अली सैयद, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन कोऑर्डिनेटर, ऑफिस सुबह मंजिल। ये मेरा एड्रेस है, ठीक है। ये मेरी कंप्लेन का एक्नॉलेजमेंट नंबर, डेट 1/3/2022, रिगार्डिंग इनलीगल ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ वकत प्रॉपर्टी। प्लीज़ रिफ़र टू योर अबव मेंशन ग्रीवरेंस एंड टू से डेट द पर सेक्शन 32(1) ऑफ द वकफ बोर्ड एक्ट 1995 जनरल सुपरिटेंडेंट ऑफ ऑल वकफ इन अ स्टेट शुल्ड बी कैरी मीन्स। इसका शॉर्ट एंड स्वीट मतलब ये है कि इनकी देख रेख करने की जवाबदारी रहती है, जिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी आता है, जिसको हम महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड भी बोलते हैं, और एक माइनॉरिटीज़ डिपार्टमेंट के अंदर आता है, जिसमें हमारे बड़े भाई सामी अहमद खान अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिन्होंने मेरे पेपर को मीन्स फॉरवर्ड किया था सबसे पहले। यू आर रिक्वेस्टेड टू टेक अप द मैटर विद द स्टेट वक्फ बोर्ड ऑफ महाराष्ट्र। सेकंड, इस फाइल के बाद क्या आया था? हाँ, ये टू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एडिशनल इन चार्ज महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ, औरंगाबाद में जो हमारा महाराष्ट्र का वक्फ बोर्ड रहता है, उन्होंने ये सेम मैटर को कंप्लेंट को फॉरवर्ड करते हुए उन्होंने आदेश दिया था, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विथ अ कॉपी ग्रीवेंस डेटेड 1/3/2022 ऑफ वारिस अली सैयद महाराष्ट्र ऑन द सब्जेक्ट ऑफ क्रिएटेड अबव। यू आर देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू टेक नेसेसरी एक्शन एज अप्रोप्रिएट। ओके, कॉपी फॉर इंफॉर्मेशन वारिस अली सैयद ह्यूमन, जैसा मुझे भी उसकी कॉपी एक भेजी गई थी, जिसमें मैंने पूरा इस थर्ड में बताया, आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर द कॉपी ऑफ द ग्रीवेंस माय सब्जेक्ट, जिसको मैंने खुद ने सेल्फ अटैच करके और पूरा इन्वेस्टिगेट करके प्रोड्यूस करा था उनको। वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी, ये मेरी कंप्लेंट थी, वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी 6568, नाना महफिल वाला जो है, ठीक है। उसमें यंग चिल्ड्रन बच्चों को 90s में डोनेट करी गई थी, मींस 19th century हम बोलेंगे इंग्लिश में, IHRC एक्टिविट्स। ओके, इसका अकाउंट मेंटेन नहीं था, इस पर देखो सब चीज़ पे मींस मार्क किया था इन्होंने, कम्युनल पर्पस है, मुस्लिम कम्युनिटी की है जगह, यंग चिल्ड्रन एक्टिविटीज़ एंड रिलीजियस वर्क ओनली। ये हुआ था, मैंने कंप्लेंट जो की थी ओरिजिनलिटी में, वक्फ टाइटल महफिल रौनक कादरिया खुद्दा में गौसिया, जिसमें मैंने एक रिमार्क मार्क किया है, वक्फ प्रॉपर्टी इलेक्ट्रिक बिल ट्रांसफ़र इलीगली और बाय फॉर्जरी डॉक्यूमेंट्स ऑन द एविडेंस ऑफ द ग्राउंड अटैच्ड। मतलब मैंने ये इनको बताया था कि ये सब चीज़ है जो पॉसिबल नहीं है, ना तो कोई इसमें वो कर सकता है, ना इसमें छेड़छाड़ हो सकती है, और अगर इसको की है तो या तो इसमें गुनहगार कौन, ट्रस्टी भी होता है, जो भी ट्रस्ट लीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी हो वो जवाबदार रहता है, उस पर कानूनी कार्रवाई हो, ठीक है। अब मैंने इलेक्ट्रिक बिल देखो, इसमें कंज्यूमर का नाम क्या आता है,
इरफान एन इम्तियाज उस्मान कपाड़िया, खतीजाबाद बिल्डिंग। लैंडलॉर्ड एनओसी देता नहीं है तो कोई जगह पगड़ी वाली, ये पगड़ी वाली मेरे हिसाब से जगह भी नहीं है, ये तो कोई खतीजा भाई करके कोई लेडीज़ थी जिनके इंतकाल के बाद से इसको मीन्स कम्युनल यूज़ है या जो भी हो एक्स वाई जेड उसके लिए, बट ये भी कोई ऑनरशिप की जगह मुझे तो नहीं दिखी जहाँ तक मैंने मैंने जो जो क्लेम्स किया है देखिए, एनओसी नॉट, एनओसी दी भी नहीं थी। ये देखो उसके बाद मुझे सीईओ ने महाराष्ट्र पब्लिक फंड अटैचमेंट सुब्रत एच श्रीवास्तव अंडर सेक्रेटरी वकफ मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, ये अधिकारी ने मुझे इससे पहला भेजा था। ये इन लोग का इलेक्ट्रिक बिल, ये देखो ये जो बाजू वाली जगह है 6064 पॉइंट नोट करिए, 6064 नेम उस्मान आसिफ एंड मोइनुद्दीन आसिफ एंड आसिफ उस्मान कपाड़िया, ठीक है। अभी ये कैसा हुआ ये तो सब अभी इतिहास में जाना पड़ेगा, इसके लिए ज़्यादा कुछ तो मैंने नहीं किया, मैंने सबूत को लेके खाली प्रोड्यूस किया, लेकिन ये बात का ये खुलासा होता है 6064 शॉप, ओके 6064 शॉप एक्चुअल किस चीज़ की है